नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज कालाष्टमी अर्थात अष्टमी के अधिपति भगवान शिवा का महासिद्धरात्रि कालाष्टमी है। थोड़ा सा आज हमें आने में विलंब हो गया, 15-20 मिनट। भक्तों के फोन आ गए इतने समय में कि आप लेट हो रहे हैं। हम अभी बता रहे हैं, वो कुछ कार्य में थे, भक्ति में। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमस्कार। पहला तरह का, दूसरा तरह का भूमिका, आप अपने अपने प्रश्न रखे, ज्योतिष विधा त्रिकालदर्शी ज्योतिष विधा व प्रश्न ज्योतिष के माध्यम से हम आपको उचित मौलिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान उचित मौलिक मार्गदर्शन हो, उचित मौलिक मार्गदर्शन प्रदान हो। आपकी हस्तरेखा के फोटो भी भेज सकते हैं, आपकी जन्म पत्रिका की बर्थ डिटेल पहुंचाएं, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एवं आपका प्रश्न रख दीजिए। इसी समय की हम काल गणना कुंडली बनाकर आपका फलादेश कर देंगे। पहला तरह का, अभी भक्त जने हमें सभी सुन रहे हैं, तो उनके सभी जब तक प्रश्न आए तब तक मैं 2-4 दिव्य गुण रहस्य बता दूं। अपनी वाणी के अनुसार नित्य जब तक भक्तों के कमेंट्स आते हैं, शिव भक्तों के संपूर्ण कमेंट्स आते हैं साहब, तब तक मैं आप सभी जनों को कोई गुड रहस्य बता दूं आज का, कि क्या स्थिति है। एक तर्क जो कि भांति चली आ रही है, वो भांति आज मैं दूर करना चाहूंगा। मेरी बात मुख्य रूप में गंभीर रूप से सुनिएगा। एक चाकू का क्या अर्थ, एक चाकू का क्या अर्थ है? एक चाकू के द्वारा ऑपरेशन करके जान बचाई भी जाती है और उसके द्वारा किसी का कत्ल भी करा जाता है। दो पहलू होगा सिक्के के साथ। एक चाकू के द्वारा ऑपरेशन करके जान बचाई जाती है और उसके द्वारा किसी का कत्ल भी किया जाता है। पहला तरह का वही है मंत्र विद्या का, तंत्र विद्या का, यंत्र विद्या का। डिपेंड अपॉन यूज, आप उस शक्ति को सकारात्मक रूप में उपयोग कर लो, आप शक्ति को नकारात्मक रूप में यूज करो। आपने धन अर्जित करा उनसे एक मास मेहनत कर आय प्राप्त हुई, लेकिन साहब आप उसका धन उपयोग सदुपयोग में करते हैं या दुरुपयोग में करते हैं, वो निर्भर आप पर रहता है। उसी भूल, अब जैसे लोगों ने कहते हैं क्या गुरु जी ज्योतिष एक सत्य है, पिलातर क्या गुरुजी ज्योतिष एक सत्य है? जैसे कि मैंने तंत्र पे भूमिका डाली है आप सभी लोगों को, कि तंत्र क्या स्थिति है, क्या मत है तंत्र का, क्या है तरणत्र, तो क्या तंत्र क्या एक विराट, किसी भी प्रकार की स्थिति को अपने अनुसार स्थिति में बदल देना, वो अनुकूलता कर वो कहलाया जाता है तंत्र का। अगर एक भक्त ने मुझसे पूछा, गुरुजी मैं शिव ईश्वर को नहीं मानता हूँ। दूसरे ने कहा, गुरुजी मैं ईश्वर को पूर्ण रूप से आस्था रखता हूँ, शिवा साधना करता हूँ, शिव का रुद्राभिषेक नित्य करता हूँ, अब उसके अंतर्गत भी मुझे केवल कष्ट ही कष्ट प्राप्त हुआ है। मेरी भूमिका बहुत ध्यान पर सुनेगा, इसमें बहुत गुण रहस्य आपके सामने प्रकाशित होगा, ये बहुत प्रकाशित होगा। मैं आप लोगों की भ्रांतियां दूर कर रहा हूँ जब तक कमेंट्स में भक्तों की डिटेल आती है। गुरुजी उसने कहा कि गुरुजी मैं शिवा की बहुत साधना करता हूँ, आस्तिक हूँ और शिवा का वो शिव आराधना अभिषेक पाठ पूजा करता हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं केवल विचलित, मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब वो नास्तिक स्थितियाँ पैदा करता है, नास्तिक कर्म पैदा करता है, भगवान शिव का अनादर करता है। अब जो आस्तिक था, जो शिव को साधना करता था, शिव की भक्ति करता था, उसे कांटा चुभ गया, और जो नास्तिक था उसे एक तांबे का हंडा मिला जिसमें स्वर्ण की मुद्राएं थी। यह देखकर शिव साधक एक आस्तिक बोला, भगवान शिवा मैंने इतनी आपकी साधना करी, उसके बाद भी आपने मुझे इतने कष्ट दिए, एक कांटा चुभ गया, मेरे में पीड़ा इतनी हो रही है, और वो नास्तिक जो ईश्वर को मानता तक नहीं है, उसके बाद भी उसे स्वर्ण का हंडा प्राप्त हुआ, यह तेरा न्याय? तो
बहुत रोता हुआ भक्ति भाव प्रेम वात्सल्य रूप में वह पूछ रहा। बहुत करुणामय समय था। भक्त की लीला से भगवान शिवा प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उसे बताया कि तेरी मौत लिखी थी आज, तूने मेरी साधना तपस्या करी जिसके प्रताप के द्वारा उस मत्तु तुल्य कष्ट को तुझे केवल एक कांटा चुभने में लगा, और जिसने वो जिसे आज तांबे का हंडा प्राप्त तो हुआ उसे आज एक चक्रवर्ती राजा बनने के योग थे, लेकिन उसे लेकिन उसके गलत कर्म कुकर्म के कारण वश उसे केवल स्वर्ण का हंडा प्राप्त हुआ, उसे केवल एक स्वर्ण का हंडा प्राप्त तो हुआ। आप समझे मेरे सात तत्व को? वो स्थिति है एक अनुभूति, एक ईश्वर की अनुकृपा, एक कृपा कटाक्ष के द्वारा जिस पर पका एक प्रोटेक्शन होता है, एक रक्षा कवच होता है। हम एक जिस प्रकार हम रेनकोट पहनते हैं या जिस प्रकार हम पूर्ण सुरक्षित एक लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं साहब, एक बीमा के द्वारा अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं, तो मेरा तर्क इतना सा है जब हम एक बीमा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो क्या तिलों की नाद पर विश्वास नहीं कर सकते? उसके उसकी साधना, उसकी दिव्य भक्ति, उसकी दिव्य अनुभूति के द्वारा अपने और अपने परिवार को पूर्ण सुरक्षित रखें। कोई नकारात्मक होगा, देखो सबके जीवन में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते हैं। भगवान श्री राम जी को भी महाराजा राजा होने के बाद भी वनवास में इतनी कड़ी तपस्या करनी पड़ी, तो तर्क इतना सा है। लेकिन जो गलत कष्टकारी समय आ रहा है वो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भाव, ईश्वर की साधना के द्वारा उत्तम रूप से टल जाए, उत्तम रूप से अनुकूल हो जाए, वो तर्क है साहब। तो मैंने आज आपको बहुत गुड रहस्य बताया आस्तिक और नास्तिक। अगर लोगों में भांति है तंत्र क्या है, तो तंत्र की भूमिका भी मैंने आपको बताई। आज भक्तों का जब तक ये स्टेटस ऐसा है, हम उज्जैनी से महाकालेश्वर की नगरी से हैं, उज्जैनी के पंडित हैं, पंडित ऋषभ नारायण भट्ट, पहला तर्क। और दूसरा तर्क, आप सभी भक्तों का ज्योतिष विद्या के द्वारा, आप सभी भक्तों के ज्योतिष विद्या के द्वारा हम आपकी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। जन्म पत्रिका, आपकी हस्तरेखा, आपकी प्रश्न कुंडली के द्वारा, आप कमेंट्स बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मुझे कमेंट्स करें, हम आपकी संपूर्ण समस्या का निदान पूर्ण रूप से उत्तम करेंगे। वो तर्क है, जब तक भक्तों के कमेंट्स आते हैं साहब, जब तक हम किसी अमृत दिव्यवाणी प्रदान कर देते हैं भक्तों को, एक तर्क देना चाहूँगा। जब तक भक्त हमारे शिवा के, हम तो शिव साधक हैं साहब, शिव ही सर्वस्व हमारे, जब तक भक्तों के कमेंट्स आते तब एक आध गुड रहस्य वो बताते हैं, दिव्य मंत्रवाणी वो प्रदान करते हैं आपको। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो रहा है, तो विशेष पद्धति के द्वारा वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्रोक्त पद्धति के अनुसार माँ कात्यायनी देवी का एक विशेष सिद्ध मंत्र करें और दक्षिणेश्वरी पूजा करें, उस मंत्र की दक्षिणेश्वरी पूजा करें, उसका अतिशीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा है तो वो ओम पत्नी मनो रमाम देवी मनोवित्ताम दुतारिणीम तारिणी संसार सागर से कुलोद्भवाम, अर्थात माँ दुर्गा के इस दिव्य अमोघ मंत्र का जप करें, उसका विवाह अतिशीघ्र सफल हो जाएगा। देखिए जब तक हम तो ज्योतिष विधा, एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री, वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक कर्मकांड पूजा के द्वारा आपकी संपूर्ण समस्या का समाधान करते हैं और आपकी संपूर्ण जिज्ञासाओं का पूर्ण से समाधान करके आपको मौलिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपको कोई भी प्रश्न हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल प्रदान करें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, जैसे कि हमारे इन जजमान ने अभी प्रदान करी, 13 अक्टूबर 1993 12:03 कोलकाता जन्मस्थान, 13 अक्टूबर 1993 12:03 कोलकाता जन्मस्थान। ऐसा है मोमिता मिस्त्री जी, आप हमारी वाणी सुनिएगा, जब तक आप अति भाग्यशाली हैं, कई अपने जीवन काल में
कई प्रकार के स्थानों पे आप घूमेंगे, कई प्रकार के स्थानों पे आप अपनी सेवा कार्य देंगे, वो पहला तरीका। दूसरा, विवाह के उपरांत विशेष रूप से भाग्य तो उन्नति होगी जजमान, विवाह के उपरांत विशेष रूप से भाग्य तो उन्नति होगी। आपका शनि संबंधी टेक्नोलॉजी सेक्टर सेक्टर हुआ या शनि संबंधी ट्रेडिंग, शनि के 288 प्रकार है साहब, तो शनि संबंधी सेक्टर आपके लिए बहुत ज्यादा फलीभूत होगा। थोड़ी सी एक स्थिति रहती है, जब तक आपके साथ कार्य के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं होना, जब तक को कार्य के अनुसार सफलता प्राप्त नहीं होना, पूर्ण रूप से जो आय में अवरोध उत्पन्न होना, मानसिक अशांति होना, मन में अत्यधिक सोचना जो कि हानिकारक है, मन में अत्यधिक सोचना, नकारात्मक विचार, सबने नेगेटिव विचार कभी कभार उत्पन्न होना, मानसिक शांति पूर्ण रूप से नहीं होना। जब तक आपने सब कुछ किया सभी के लिए, लेकिन मतलब जब तक ने अपने जीवन काल में अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर किया, लेकिन रिटायरमेंट स्पॉन्स की स्थिति आपको थोड़ी नेगेटिव पक्ष की प्राप्त हुई। चौथा, जैसे कि आपने भविष्य का पूछा है, मैं एक तरह कहना चाहूँगा कि 2021 22 फरवरी 2021 समय काल से आपका वो कैरियर पक्ष में एक विशेष दिशा प्राप्त होगी, जो कि आपके उज्ज्वल भविष्य की ओर एक टर्न अप होगा, टर्निंग पॉइंट होगा साहब। और आने वाले 2023 समय काल तक आप बहुत उत्तम रूप से सेटल होता होगा, स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल इन इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक पक्ष के द्वारा। वो कुछ आपका प्रश्न हो तो नहीं, संकोच हमसे पूछ सकती हैं, कमेंट्स करें। साथ ही आप शिवा अगर डिटेल में फलादेश चाहते हैं तो निसंकोच होकर हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेंजर कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, नॉर्मल कॉल के द्वारा आप हमसे संपूर्ण जीवन का फलादेश, मौलिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, पहला तर्क। और दूसरा तर्क की स्थिति, हाँ आप अपने अपने समस्या पूछें, आप अपनी अपनी जिज्ञासाएं पूछें, क्या जानना चाहते हैं आप, बाकी भक्तजन अपनी डिटेल पूछें। आप क्या जानना चाहते हैं पूछें उससे। एक सेकंड रुकिएगा, शिवा जय महाकाल। ऐसा है, आप मोमिता जी डिटेल हमें बर्थ डिटेल सही साथ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं अपने फलादेश की। मोमिता जी आप डिटेल मुझे कंफर्म बताइए कि 19 नवंबर है कि 13 नवंबर है, पहला तारीख 19 नवंबर है कि 13 नवंबर है। ऐसा है साहब, जैसा कि आपने मुझे पहले डिटेल प्रदान करी है, आपने मुझे डिटेल प्रदान करी है, मैं ज्योतिष करना छोड़ दूं अगर मेरा फलादेश गलत हो जाए तो, पहला तारीख। लेकिन आप मुझे डिटेल तो सही, जैसा कि 24 दिसंबर 1988 आप जो मुझे डिटेल बता रही हैं, ये आपके हस्बैंड की पत्रिका है, तो आपके हस्बैंड की मुझसे भूमिका पूछिएगा मोमिता जी, मुख्य रूप से इस जातक के जन्म पत्रिका के आधार पे इसको मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहती है, मन में नकारात्मक विचार, मन में अत्यधिक सोचना जो कि हानिकारक है। इस जातक की जन्म पत्रिका के आधार पर अगर विवाह विशेष रूप से जन्म पत्रिका मिलान करके नहीं किया गया तो वैवाहिक जीवन तक में समस्या आ सकती है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, मित्रता सेक्टर फ्रेंड सर्कल के थ्रू या रिश्तेदारी पक्ष रिश्तेदारी के थ्रू इस जातक के लव अफेयर तक के चलने के योग अति उत्तम है। ये जातक अत्यधिक अति उत्तम है, इसके परिवार इसके कुटुंब में कुल दीपक तक बनने का योग है। आपके पति की जन्म पत्रिका की डिटेल करना, 24 दिसंबर 1988 6:20 PM कोलकाता जन्म स्थान है ना साहब। तो जातक अपने जन्म पत्रिका के आधार पर कुल दीपक तक बनने के योग है, कुल दीपक। मानसिक रूप से थोड़ी अशांति रहती है, मेंटली स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना और नकारात्मक विचार अत्यधिक सोचते हैं, ये दूसरा तर्क। तीसरा, अगर विवाह पत्रिका मिलान करके नहीं किया गया या वेदोक्त कहो कि शांति अगर करवा ली तो अति उत्तम, नहीं तो वैवाहिक जीवन को समस्या नहीं आएगी, नहीं तो डंके की चोट पर इनके वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, तीसरा तर्क। चौथा तर्क, इस जातक के इसके जीवन काल में प्रेम संबंध होंगे, कब होंगे साहब, क्या तरीका है, इसके मित्रता सेक्टर फ्रेंड सर्कल और रिश्तेदारी इस पक्ष के द्वारा इसके लॉ ऑफ प्रेम संबंध के होंगे। पांचवा तरीका, यह जातक इसके परिवार से कुटुंब में कुल दीपक बनने के योग है, अर्थात परिवार जिस पर गर्व करे। छठा तर्क, यह जातक के एक से अधिक स्थानों पर रहने के योग अति उत्तम है।
वो थोड़ा अभी वर्तमान समय अनुकूल नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन आने वाले समय काल में बहुत उत्तम राज्य हो गए। पहला तरह का। मोमिता जी, आपने आपकी डिटेल मुझे कंफर्म नहीं दी, तो ये आप मुझे डिटेल सही साथ देंगे तो तय करें उत्तम फलादेश हो पाएगा, नहीं तो मैं अपने फलादेश की गारंटी की। देखो साहब, तर्क समझिएगा, अगर डॉक्टर को आप एक्सरे रिपोर्ट सही साथ दोगे तो उसके आधार पर फलादेश कर पाएगा, उसके आधार पर फलादेश कर पाएगा। अगर आप आपकी डिटेल में मुझे कंफ्यूज करेंगे तो मैं कैसे फलादेश कर पाऊंगा। जैसे कि हमारा सुभ्रात्रा कर जी ने केवल इनका जन्म समय जन्म स्थान तो नहीं दिया, मैं पष्ट कुंडली अर्थात आप मुझे जन्म समय और जन्म स्थान भी देते सुब्रता कर जी, तो आपका मैं पूर्ण फलादेश करता, मतलब आपके जीवन का संपूर्ण जीवन फलादेश करता। जो जो आपको जानना है वो अपन मुख्य रूप से विस्तार से फलादेश करते, लेकिन तर्क इतना सा है कहने का, शिवा शिवा शिवा, कि आपका प्रश्न है क्या मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर डेवलपमेंट के बारे में बताना, क्या अपना लक्ष्य पाऊंगा, एक विशेष इष्ट साधना, अध्यात्म की एक विशेष इष्ट साधना, कि वो क्या आप इष्ट सिद्धि प्राप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह, कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। 22 जून 2020 के बाद आपको इस दिवाली समय काल तक अपनी इष्ट साधना की ओर अग्रसर होकर विशेष अपने इष्ट देवता की कृपा कटाक्ष प्राप्त होने के अति उत्तम योग है साहब, अति उत्तम है, अति उत्तम योग है। और आपने डिटेल मुझे प्रदान करिए, न्यू दिल्ली जन्म स्थान है आपका, और 13 डिटेल 11/8/1973 न्यू दिल्ली 7/15। ठीक है, उत्तम 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 उत्तम, शुभ शुभ। जय महाकाल। ये सब तर्क है साहब, थोड़ा नेटवर्किंग प्रॉब्लम चल रही है अभी वर्तमान समय में, हमारे अति वर्षा हो रही है। वो तर्क इतना सा शुभ्रात्रा जी, कि आपकी जन्म पत्रिका के आधार पे आपको इष्ट साधना अति उत्तम परम लाभपत परम सिद्धकारी होगी साहब। उसका तर्क इतना सा है कहने का, पंचम भाव में राहु राहु चंद्र बैठे हुए हैं और पंचम में छठे भाव में विराजमान है, इतने सरलता से तो इष्ट साधना आपको प्राप्त, इष्ट सिद्धि, एक विशेष आध्यात्म की अपने आराध्य की विशेष कृपा कटाक्ष होना। लेकिन आपको उग्र देवता अर्थात भगवान शिव हनुमान भैरव साधना या एक उग्र शक्ति की आराधना जैसे भद्रकाली महाकाली, इनकी साधना आपको बहुत अति उत्तम लाभप्रद रहेगी। आप अपने इष्ट देवता की सिद्धि प्राप्त अति उत्तम रूप से कर पाएंगे और यह इष्ट सिद्धि सब अनुकूल रहा साहब, तो 22 जून 2020 समय काल से आपको उत्तम रूप से प्राप्त होगी। उत्तम क्योंकि आपके कार्य मंद गति से सफलता प्राप्त मिलती है, मंद गति से असफलता। सूर्य बुद्ध का बुध आदित्य योग जातक आपकी जन्म पत्रिका में, जिसके द्वारा जातक अत्यधिक चतुर, काय कुशलता, वाणी के सदुपयोग में, कार्य निकालने परिपूर्णता, शीघ्र अतिशीघ्र अपनी लाभ हानि समझने वाली, किसी भी प्रकार की स्थिति में डिसीजन लेने की क्षमता अति उत्तम। ऐसा है साहब, अगर सब अनुकूल रहा तो आपको शिवा शिवा आने वाले 9 मास में को विशेष इष्ट सिद्धि प्राप्त होने के योग बनते हैं। वो तर्क समझिएगा क्यों, गुरु जैसे ही धनु राशि में जाएगा 22 जून 2020 को, वैसे ही आपका माइंड पूर्ण रूप से डाइवर्ट होकर विशेष इष्ट सिद्धि इष्ट साधना आराधना में लगेगा। वो आने वाले 9 महीने उसमें मैं मुख्य भूमिका दूं आपको, इस दिवाली समय काल तक आपको उत्तम रूप से सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दिवाली समय काल तक आपको उत्तम रूप से समय काल प्राप्त होने के योग बनेंगे। 9 मास समय काल में आपको अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से उत्तम रूप से प्राप्त होगी 9 मास में, के 9 मास में आपको उत्तम रूप से प्राप्त होगी। यह तर्क है। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप इष्ट देवता कौन है, आप किसकी साधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं, आपके इष्ट देवता कौन है, क्योंकि तर्क इतना सा है साहब, पंचमेश गुरु है, आपको सौम्य शक्ति भी, इनकी कृपा कटाक्ष भी होगी और पंचम राहु विराजमान है, तो उग्र शक्ति मतलब उग्र होता है मतलब जो गोदी गुस्से अर्थात उग्र क्रूर शक्तियां, उनकी साधना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, बहुत लाभ का सिद्ध होगी आपके लिए, क्योंकि यजमान आप थोड़े भ्रमित बहुत रहते हैं,
थोड़े भ्रमित की स्थिति बहुत रहती है, वो आपके हर शुभ कार्य में अवरोध बहुत आता है। अति उत्तम है, जो मैं सुनना चाहता था वही अजमान आपने बोला, शिवा शिवा शिवा। मैं खुद भी भटकाली और महाकाल का साधक हूँ, उनकी साधना करता हूँ, ओ शिवा। आपने जो मुझे डिटेल दी है साहब कि भैरव और महाकाली की साधना, मतलब भगवत काली की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, वो भैरव साधना भी आपके लिए परम लाभकारी सिद्ध होगी। रावण तो अपन ब्राह्मण, मतलब हम तो रावण के समाज के हैं, रावण महापंडित, हम पंडित, रावण शिव साधक, हम शिव साधक, तो ऐसा है कि आपके लिए वो साधना अति उत्तम लाभकारी सिद्ध होगी, अति उत्तम लाभपद सिद्ध होगी, अति उत्तम अति विशेष लाभपद सिद्धकारी होगी। वो आने वाले 9 मास आपके लिए बहुत उत्तम फलीफूत होंगे। आप विशेष इष्ट साधना, इष्ट कृपा कटाक्ष, अपने विशेष भगवती की कृपा कटाक्ष के द्वारा आप अनुकूल